नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार पुलिस में 8,415 पदों पर बहाली के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन। बिहार पुलिस में बंपर बहाली होने जा रही है। सिपाही के 8,415 पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। परिषद द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेष एकीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी के लिए भर्ती की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों से 13 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार कल से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। बहाली के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित परीक्षा की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। बिहार में जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भले ही जदयू को कम सीटें मिली है, मगर नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है, उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में मिली जीत का जश्न भाजपा के दफ्तरों में मनाया जा रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान आया है। परिणाम आने के बाद हार के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठी कांग्रेस की मांग। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, वहीं हारने वाली पार्टी की गुटबाजी अब सतह पर आ गई है। प्रदेश प्रवक्ता हरखू झा ने पार्टी की हार का कारण प्रदेश के शीर्ष नेता और बिहार प्रभारी पर लगाया था, तो इसी क्रम में बीते दिन AICC के कई सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन करवाकर टिकट वितरण में गड़बड़ी को हार का कारण बताया है। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा की माने तो पार्टी जनों की बैठक बीते दिन उनके आवास पर हुई है। बैठक में नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चुनाव में लचर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्ती दिखाने की मांग की है। साथ ही टिकट वितरण का आधार बताने को प्रदेश के नेताओं से भी कहा है कि नेताओं का कहना है कि जैसे लोगों को टिकट दिया गया है, उसे पैसे के लेन देन से भी इनकार करना कठिन है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि ऐसे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। परिणाम के बाद राजग विधायक दल ने आज बुलाई बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आ गए हैं, जिसके बाद अब सभी पार्टियों बैठक का दौर जारी है। अब राजद ने भी सुबह बैठक बुलाई है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। राजद विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे से राबड़ी आवास पर शुरू हुई थी। इसमें सभी विधायक समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे थे। सभी विधायकों को आने के लिए पहले ही बोला जा चुका था। राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, मनोज झा, तेज प्रताप यादव समेत कई नेता शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें आई हैं, इनमें से अकेले राजद को 75 सीटें आई हैं। सरकार बनाने के लिए राजद को 12 सीटें और चाहिए, इसीलिए सरकार गठन से पहले राजद हर संभव कोशिश करती देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी नतीजों पर दिया अपना बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार में मिली जीत पर सभी का आभार व्यक्त किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वह पारखी भी है और जागरूक भी। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है, विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, माताएं बहनें बेटियां जीती है, बिहार का गरीब जीता है, किसान जीता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नतीजों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की जीत भी बताया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहार वासियों के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सफलता के पीछे गवर्नेंस मॉडल का भी कारण बताया है। समय सीमा में ही पूरा होगा किऊल गया के दोहरीकरण का काम। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने राजेंद्र रेल पुल सहित अन्य रेल लाइन दोहरीकरण कार्य प्रगति की अर्ध वार्षिक समीक्षा की। उन्होंने समय सीमा पर सभी निर्माण परियोजनाएं पूरी करने की बात कही है। बीते दिन दीघा में उच्च स्तरीय बैठक में पूर्व मध्य रेल में चल रहे निर्माण परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी ली गई है। इस बैठक में इरकॉन, RBNL तथा DFCC द्वारा पूरी की जा रही विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। रामपुर डुमला ताल, राजेंद्रपुर अतिरिक्त बीरपुर दोहरीकरण परियोजना, हाजीपुर बछवारा किऊल गया दोहरीकरण परियोजना तथा जयनगर कुर्ता रेल परियोजना
का निर्माण कार्य इरकॉन द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस बाबत डीएम ने कहा है कि क्यूल गया के दोहरीकरण का लाभ बिहार वासियों को तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली हावड़ा मार्ग पर यात्रा करने वाले अन्य प्रदेश के यात्री भी लाभान्वित होंगे। यह रेलखंड वर्तमान में ग्रैंड रिकॉर्ड एवं मेन लाइन के यातायात दबाव को भी कम करेगा। पटना में डेंगू प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक इस मौसम में जिले में अब तक कुल मिलाकर 141 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक पीएमसीएच में मिले हैं। यहां अब तक 73 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में एक दिन पहले या परसों की डेंगू जांच की जाती थी, लेकिन मामलों की संख्या बढ़ने पर अब हर दिन जांच की जा रही है। यह रोजाना ही करीब 10 सैंपल डेंगू जांच के लिए आते हैं, जिसमें से 3 से 4 सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। पीएमसीएच के लैब में डेंगू जांच का सबसे बड़ा सेंटर है। यह जिले भर से रैपिड टेस्ट किट पॉजिटिव आने वाले सैंपल पुष्टि के लिए भेजे जाते हैं। यहां के लैब में हुई जांच में बीते दिन 3 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बुधवार को यहां 4 डेंगू पॉजिटिव मिले थे। कोविड-19 के बीच धनतेरस की खास दिखी तैयारी। कोविड-19 के माहौल के बीच धनतेरस की खास तैयारी राजधानी पटना के बाजार में देखने को मिल रही है। सराफा बर्तन ऑटोमोबाइल के साथ ही फ्रिज वॉशिंग मशीन टीवी शोरूम और दुकान में धनतेरस की सारी तैयारियां हो चुकी है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खूब बिक्री होने की भी संभावना है। ग्राहकों को इन दुकानों की तरफ से कई लकी ड्रॉ कूपन समेत कई लुभावने ऑफर पेश किए गए हैं। जानकारों की माने तो राजधानी पटना में 870 करोड़ रुपए से अधिक की धन वर्षा हो सकती है। कारोबारियों के मुताबिक सराफा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर रियल एस्टेट कपड़ा बर्तन समेत अन्य क्षेत्रों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिलेगी। कुछ सेक्टर में पिछले साल की तुलना में मार्केट में 10% से अधिक का गिरावट देखा जा रहा है। ज्वेलरों ने त्योहारी खरीदारी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जहां सोना पिछले साल 38,650 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं इस बार रेट लगभग 50,000 रुपए प्रति ग्राम है। इसके साथ ही कारोबारियों को उम्मीद है कि राजधानी पटना में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। बिहार में आज एमएलसी चुनाव मतगणना पर है सबकी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने के बाद अब विधान परिषद के चुनाव के लिए आज सुबह से मतगणना जारी है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन के अलावा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। दूसरी तरफ बिहार में अब सरकार गठन की कवायद भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, इस पर भी बात होने वाली है। सबकी बिहार विधान परिषद के आने वाले नतीजों पर ही नजर है। चिराग पासवान ने सरकार का समर्थन नहीं करने की कही बात। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की फजीहत चुनाव परिणाम में बखूबी देखने को मिली। हालांकि अभी भी वो अपनी जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो भाजपा को लाभ और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चुनाव में चाहते थे और इसमें वो सफल भी रहे। चिराग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कम सीट आने के बावजूद भी एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो बिहार में उस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। लोजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ना तो महागठबंधन और ना ही नीतीश कुमार हमें स्वीकार होंगे। लोजपा के कारण चुनाव में जदयू को नुकसान होने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही कहा था कि भाजपा को लाभ पहुंचाने और जदयू को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, यह बात किसी से नहीं छुपी है। सीतामढ़ी के विभूति विक्रमादित्य ने ऑक्सीमीटर का देसी वर्जन किया तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया था, इसी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज गैजेट ऑक्सीमीटर का विकल्प देसी वर्जन में तैयार किया गया है। कोविड-19 के इस दौर में हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, इसकी जानकारी पल्स ऑक्सीमीटर दे देगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह ऑक्सीमीटर सीतामढ़ी के रहने वाले विभूति विक्रमादित्य ने 6 महीने में तैयार किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड है। हमें स्मार्ट पोर्ट प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला हुआ है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिली हुई है। ज्ञात हो यह कंपनी जनवरी से IIT पटना में इंक्यूबेट हुई है। कोविड-19 के शुरुआत होने पर ही ऑक्सीमीटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि कोरोना की शुरुआत होने पर हमें लगा कि कुछ करना चाहिए, फिर हमने पल्स ऑक्सीमीटर बनाने का प्लान बनाया, जिस पर हमने रिसर्च वर्क से लेकर सारा काम किया है। KL राहुल को मिला ऑरेंज कैप। IPL के सीजन का फाइनल हो चुका है, जिसमें मुंबई की टीम को शानदार जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब के KL राहुल को इस सीजन ऑरेंज कैप मिला है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज रबाडा अंत तक पर्पल कैप पर कब्जा जमाए रखने में कामयाब खिलाड़ी रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीजन के शुरुआती समय में ही किंग्स 11 पंजाब के कप्तान KL राहुल ने कमाल का फॉर्म दिखाया था। KL राहुल ने 13वें सीजन में खेले गए 14 मैच में 55.83 के औसत से 670 रन बनाए हैं। वहीं राहुल ने इस सीजन में
एक शतक और एक अर्धशतक लगाकर इस कैप को अपने नाम दर्ज किया है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 86 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 47,905 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 86,83,916 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 550 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,28,121 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिन से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 80,66,502 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,59,975 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।